नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा पंजाब नेशनल बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। और जैसा कि आपको पता होगा, 1 अप्रैल 2020 से जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और जो यूनाइटेड बैंक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुके हैं। और पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि मर्जर के बाद जो मेरा अकाउंट नंबर है, जो मेरा इंटरनेट बैंकिंग का जो पोर्टल है, क्या वो चेंज हो जाएगा? तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस क्राइसिस चल रहा है, तो इस सिचुएशन में अभी जो पीएनबी है, इन्होंने क्या किया है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, तीनों का नेट बैंकिंग का एक कॉमन प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है netpnb.com। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तीनों बैंक, यहाँ देखिए इंटरनेट बैंकिंग का ये साइट जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा ओपन होगा। इसमें आप देख रहे हैं पीएनबी है, फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, फिर आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये तीनों बैंक का जो ऑनलाइन पोर्टल जो यूज़ करते थे आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए, तो जब आप क्लिक करोगे एक ही पोर्टल पर, आपको क्या होगा, तीनों इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप ओरिएंटल बैंक के कस्टमर हैं तो ओरिएंटल बैंक पर क्लिक कर सकते हैं, पीएनबी है तो पीएनबी, और बाद में ये मर्ज होकर आपका सिंगल प्लेटफॉर्म पे पीएनबी हो सके तो ये कर सकती है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूँगा। जैसे आप पीएनबी पे देख रहे हैं, जब आपने पीएनबी पे क्लिक किया तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक नए वेबसाइट की तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, pnbibanking.in। तो आप क्या हो रहे हैं, इस पेज पे मूव कर रहे हैं। और जैसा कि आप नॉर्मल जो नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आप उस पे जाके अपना लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, अगेन एक नए पोर्टल पे आप लेके चला गया, ये जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर ये देखिए आप obconline.co.in, जो पुराना ओबीसी का आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो लिंक था, फिर आप इसमें रिटेल यूजर लॉग इन, कॉरपोरेट, इसमें आप कर सकते हैं जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तीसरा, यूनाइटेड बैंक, इस पर क्लिक करोगे तो अगेन ये क्या कर रहा है, ebank.unitedbankofindia.com पे लेके चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि तीनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया गया है, और ताकि लोगों को आसानी हो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने में। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ये जो अमेलगमेशन हुआ है तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो मैं आपको बेसिकली एक FAQ दिखाता हूँ, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, मैंने वो अटैच कर रखा है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। तो यहाँ देखिए, पहला जो आपका जो मेजर कंसर्न लोगों के बीच में है कि ऑब्जेक्टिव बेसिकली अमेलगमेशन का क्या है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन बैंक्स का क्रिएशन कर रहे हैं, ताकि जो पोटेंशियल बैंकों में है वो क्या हो और ज़्यादा यूज़ कर सकें, और इससे जो कस्टमर सर्विस है उसको अच्छे तरीके से और उस पर फोकस किया जाएगा। और उसके अलावा जो है, जो आपने देखा होगा कि 5 ट्रिलियन USD, जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये एक बड़ा स्टेप गवर्नमेंट का माना जा रहा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हाउ बिग विल बी द अमलगमेटेड बैंक। तो अगर मैं पीएनबी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है, और इसमें अराउंड 18 लाख करोड़ का बिजनेस है, 11,000 ब्रांचेज हैं, और अराउंड वर्कफोर्स 1 लाख से ऊपर आपका टोटल स्ट्रेंथ है। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाउ विल दिस अमलगमेशन इम्पैक्ट मी एज ए कस्टमर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप लार्जर बैंक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका सर्विस है पैन इंडिया नेटवर्क में, आपको क्या होगा, एक अच्छी सर्विस, एक अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी। फिर क्वेश्चन आ रहा है, आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया गेटिंग क्लोज्ड। तो आंसर है नो, ये क्लोज नहीं हुए हैं, और दोनों बैंक जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुके हैं, और जो कस्टमर इन दोनों बैंक के थे वो पंजाब नेशनल बैंक में आ चुके हैं। फिर विल सम ब्रांचेस बी क्लोज्ड आफ्टर अमलगमेशन। तो अभी इसका नो आंसर है, क्योंकि अभी कोई ऐसा इमीडिएट ब्रांच क्लोजर का के बारे में नहीं डिस्कशन किया गया, या नहीं डिसीजन लिया गया है। फिर यहाँ पे आई हैव ऑल द 3 बैंक्स ब्रांचेज इन माई लोकेलिटी, विच ब्रांच विल सर्विस माई बैंकिंग
रिलेटेड रिक्वेस्ट एंड व्हाट विल हैपन टू द इंटर पर्सन रिलेशनशिप आई हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए आपके एरिया में तीनों बैंक की ब्रांच है, तो आप किस ब्रांच में जाके अपना सर्विस जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है, अभी तो जो आपकी प्रेजेंट ब्रांच है आप उसमें ही कंटिन्यू करें, क्योंकि जो अभी एमलगमेशन प्रोसेस है ये तो इफेक्टिव हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण फुल्ली इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो अगर आप सपोज़ कीजिए ओरिएंटल बैंक के कस्टमर हैं और पीएनबी में जा रहे हैं, या पीएनबी के कस्टमर ओरिएंटल बैंक में जा रहे हैं, तो आपको ये 14 सर्विसेज ही मिलेंगे अभी के टाइम में। बाद में ये आपका इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया जाएगा, फुल एक्सेस दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल थ्रू चेक हो गया, इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र हो गया, इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र हो गया, NEFT आउटवर्ड स्टॉक पेमेंट ऑफ चेक, FD RD, इसकी प्रिंटिंग हो गई, फिर पासबुक अपडेशन हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट बैलेंस, मतलब जो बेसिक आपका जो रिक्वायरमेंट कस्टमर्स का होता है वो अभी आपको तीनों बैंकों में आपको मिलेगी कॉमन प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आपके FAQs हैं, जो मेजर पॉइंट थे मैंने वो डिस्कस कर लिया, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब आप लिखें, मैं उसमें जवाब दूंगा। और ये जो FAQ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं, ताकि कोई और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको जाननी हो तो आप इसमें जान सकते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। और यहाँ पर लास्ट में देखिए कस्टमर केयर ईमेल ID और टोल फ्री नंबर दिया हुआ है तीनों बैंकों का, PNB, OBC, UBI का, तो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।